तीन बस लुटेरे गिरफ्तार। तीन दिन पूर्व बदायूं से मुरादाबाद आ रही रोडवेज में बदमाशों द्वारा की गई लूट का आज बिलारी पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटी हुई नकदी और दूसरा सामान भी बरामद कर लिया है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में तीन दिन पूर्व देर शाम उस समय हड़कंप मच गया था जब बिलारी से 3 किलोमीटर बाहर बदायूं से मुरादाबाद आ रही बस में अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट शुरू कर दी थी और ये बदमाश बस कंडक्टर को गोली मारने की धमकी देते हुए उसका बैग छीनकर फरार हो गए थे। घटना के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी सहित कई आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे और इस बस लूट का जल्द खुलासा करने के लिए कई टीम गठित करते हुए जांच शुरू कर दी थी, जिसमें आज बिलारी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शहनवाज, गुलजार और आरिफ नाम के आरोपी हैं। एसपी देहात ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि शहनवाज बिलारी थाने से गैंगस्टर में जेल जा चुका है और गुलजार नाम का आरोपी जीआरपी से जेल गया था, अभी पेरोल पर बाहर है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई नकदी और टिकट बनाने वाली मशीन बरामद कर ली है। 2020 ग्राम हाथीपुर के पास बदायूं रोडवेज की बस आ रही थी, वहाँ बस में सवार दो लोगों के द्वारा बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई और उसका बैग लूटा गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक बिलारी और एसओजी प्रभारी इनके द्वारा आज तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक शहनवाज, गुलजार और आरिफ। इन तीनों के पास से लूट की गई करीब 1,007 रुपये की धनराशि, लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, इनके पास से तमंचा और जो रोडवेज का टिकट काटने वाली मशीन है इनके निशानदेही पर बरामद की गई है। अभियुक्त शहनवाज थाना बिलारी के गैंगस्टर में जमानत पर चल रहा था, इसके साथ साथ जो अभियुक्त गुलजार है वो जीआरपी से जेल जा चुका है। इस समय बताया गया कि पैरोल पे है, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तीसरे अभियुक्त का भी आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं हो पाई है, जो आरिफ है जिसके मोटरसाइकिल से ये लोग लूट के बाद भागे थे, इसकी जानकारी की जा रही है। सर, ये लोग कहाँ से सवार हुए थे? ये बिलारी बस अड्डे से दो ही लोग बस में सवार हुए थे। बस से एक व्यक्ति उतरा था और ये दो व्यक्ति सवार हुए थे और सीधे रोडवेज बस से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर आगे जाकर जो गांव है वहां पर इनके द्वारा यह बताया गया कि हमारा मोबाइल छूट गया है और गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया, उसके बाद से इनके द्वारा पुलिस के साथ समस्या दिखा करके लूटपाट कार्य किया। सर, इस तरह की घटना पहले भी अंजाम दे चुकी है कोई? नहीं, लूट की इस तरह की घटना भी अंजाम दी है और ये दोनों चोरी हुई। जो अभियुक्त गुलजार और शहनवाज है, गुलजार रेलवे में मोबाइल चोरी में जेल जा चुका है और शहनवाज भी ई रिक्शा चोरी में और उसके आधार पर उसके ऊपर गैंगस्टर पंजीकृत हुआ था, जेल में जेल जा चुका था। ये जमानत पर था शहनवाज। ठीक है।